सोशरी मूड में आपका स्वागत है। देखिए, BHU LLB का 2017 का पेपर है, 2018 के पेपर इससे पहले मैंने सॉल्व करा दिया पूरा। ये 2017 का पेपर है और ऐसे कर हम लोग अगर 2010 तक पेपर आपको सॉल्व करा दे रहे हैं तो आप आसानी से उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन गेस कर लीजिए कि आता ही आता है, रिपीट करता है क्वेश्चन 5 साल का पीछे का। और मैं तो आपको 2010 से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो देखिए, ये मैथ का जो क्वेश्चन है मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन आप खुद से एक्सपीरियंस कीजिए, बनाने का खुद से बनाइए, ट्राई कीजिए। और मैथ अगर मैं कराने लगूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये जो सेट है इसमें 1 से लेकर 30 तक तो मैथ है पहले। तो देखिए मैथ है, ये मैथ मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी देखिए मैं करा रहा हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक, देखिए यहाँ तक 30 तक मैथ है। ये जो आप पेपर है ये BHU के ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गूगल में लिखिए कि BHU LLB 2017 पेपर, ऊपर वाला जो है उस पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला कि अर्थ जो होता है, जो पृथ्वी हमारी है, वो सूरज से कब ज़्यादा दूरी पर होती है। देखिए, एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर, दो होते हैं। उपसौर और अपसौर में आपको पता होना चाहिए कि नज़दीक होता है सूरज के, तो अपसौर और मीन्स की नज़दीक और दूर, ये दो चीज़ याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो होगा ये 4 जुलाई को क्या होता है कि अर्थ और सूरज के बीच की क्या होता है, दूरी काफ़ी होती है। ठीक, और अगर नज़दीक का पूछता है, देखिए फार डिस्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए यह दे रहा है कि सबसे दूरी, अगर सबसे कम दूरी पूछता तो वो हो जाता आपको 3 जनवरी, याद रखिएगा, नहीं तो ऐसे क्या होगा 4 जुलाई को होगा। ठीक, एक अभी आज है 1 मई, एक मई नहीं है, आज 2 मई है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मध्य अक्षांश का उदाहरण है। इसमें से कौन सा मध्य अक्षांश का उदाहरण है। मध्य अक्षांश कहने का मतलब कि ये पृथ्वी है, ये विषुवत वाला अक्षांश हो गया, 0 डिग्री अक्षांश जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं, इसे कहते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और इसे कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला मध्य अक्षांश के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन है, तो पेटागोनिया का जो मरुस्थल है ये पड़ता है मध्य अक्षांश में। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला कि पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टाने कहलाती है। जो पृथ्वी के सतह के नीचे है, पृथ्वी उसके सतह के नीचे पिघली हुई जो चट्टाने हैं वो मैग्मा कहलाती है। ठीक, मैग्मा, और यही जब मैग्मा ज्वालामुखी के द्वारा बाहर फाड़ कर निकलता है तो उससे अग्नि चट्टान बनता है, वहीं अग्नि चट्टान टूट फूट कर अलग होकर अवसादी चट्टान बनता है, वहीं अवसादी संतान अपना रूपांतरित होकर मिस की कायाकल्प बदल कर रूपांतरित चट्टान बनता है, अब फिर वही रूपांतरित चट्टान बहुत दिन से अंदर जाकर गढ़ते फिर गर्म होकर नीचे लावा बन जाता है और फिर वही साइकिल चलते रहता है। ठीक, क्वेश्चन अगला है कि निम्न नदियों में कौन सबसे लंबी नदी है। आप जानते हैं कि सबसे लंबी जो भारत की नदी है वो गंगा है। ठीक, ओवरऑल, लेकिन दूसरे स्थान पर क्या आता है, गोदावरी नदी आता है, और सबसे अगर चौड़ा नदी पूछता है तो वो हो जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है भारत का। ये गोदावरी नदी है, ये दक्षिण का पहला सबसे लंबा नदी है, दक्षिण में साउथ में मीन्स कि यहाँ 23.5 डिग्री से नीचे मीन्स कि आप बोल सकते हैं ये गोदावरी है। आप नर्मदा और ताप्ती को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये रिफ्ट वैली से होकर अरब सागर में जाकर गिरती है, नर्मदा और ताप्ती नदी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि रेलवे डीजल इंजन का उत्पादन कहाँ होता है। जो रेलवे डीजल इंजन का उत्पादन है ये हमारे वाराणसी में होता है, जहाँ आपका BHU स्थित है। BHU मदन मोहन मालवीय ने बनाया था कब, 1916 में। ठीक, और 1916 में पटना उच्च न्यायालय का भी स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और भी ऐसे याद कर सकते हैं, इस बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इस बार ये वाराणसी में मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को पूर्णतः गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आ गए थे और आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दिए थे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सिक्योरिटी प्रेस द्वारा नोट छापने के लिए विशिष्ट कागज का देश, ये पूछ रहा है कि कहाँ सबसे, मतलब देश में कहाँ उत्पादन होता है, जो नोटवा छपता है ना उसका। ठीक, तो 36 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सबसे ज़्यादा, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताया था। ठीक, तो देखिए हैदराबाद दिया है, कोलकाता दिया है, होशंगाबाद दिया है और देवास दिया है। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। देखिए केंद्रीय रिजर्व बैंक है, देखिए केंद्रीय बैंकिंग का कार्य भारत के किसके द्वारा किया जाता है, तो जो केंद्रीय बैंकिंग है या बैंकों का बैंक जिसे बोला जाता है, ठीक, ये जो आया था वो 1934 के एक्ट के द्वारा आया था, 1935 में स्थापना हुआ था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये जिस बैंक का मैं बात कर रहा हूँ वो है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जितना भी आप टर्मोलॉजी सुनते हैं ये रिजर्व बैंक के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसके ये में सुनते होंगे। ठीक, अभी आपसे पूछ देगा कि जो ये इलेक्शन वाला बॉन्ड है, ठीक, जैसे बॉन्ड कर पैसा बना कर दिया जाता है,
वो किस बैंक द्वारा, तो वो स्टेट बैंक द्वारा बॉन्ड बनाकर ये दे सकते हैं पैसा, इसमें रिजर्व बैंक का काम नहीं आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है कि कालाधन के समानांतर अर्थव्यवस्था अस्तित्व में जब कालाधन ज़्यादा हो जाता है तो कोई भी देश का नुकसान ही होता है, क्योंकि वहाँ पर जो मौद्रिक नीति है वो लागू जो होता है उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है, मीन्स कि कम हो जाता है। जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा ब्लैक मनी रहेगा वो देश का भ्रष्टाचार बढ़ते जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि उरुग्वे राउंड का वार्ता के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई थी। जो उरुग्वे राउंड वार्ता हुआ था उसके द्वारा क्या बना था, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, याद रखिएगा। ये कौन से, तो उरुग्वे राउंड वार्ता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत की संविधान सभा में निम्न से कौन से संवैधानिक सलाहकार थे। ये जो थे BN राव थे संवैधानिक सलाहकार, AN राव से इनको मत ये कीजिएगा, ये BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। और इन्होंने, और देखिए BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो संविधान सभा का जो हमारा संविधान का ड्राफ्ट किया गया था उसके अध्यक्ष थे। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत कब प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत कब प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना, ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर बार बार दे ही देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, और ये 2018 का क्वेश्चन था कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। मैं कराया था क्वेश्चन, आपको कल याद होगा कि ये क्वेश्चन आया था। आज आ गया कि कब प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना, तो गणराज्य बना 26 जनवरी 1955 को। ठीक, गणराज्य का रिपब्लिक मीन्स कि गणराज्य कहने का मतलब कि जो इसका राष्ट्रपति होते हैं वो हम लोगों का अप्रत्यक्ष विधि द्वारा ही लेकिन जनता द्वारा चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष विधि मीन्स कि हम अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजते हैं लोकसभा राज्यसभा में, वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। ठीक, और साथ में उन वो चुनने में कौन कौन, राष्ट्रपति में लोकसभा राज्यसभा और राज्य के अलग अलग राज्यों के विधानसभा और दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के सब, ये जो निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं, ये सब राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक, ये 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति एरिया प्रशासन और नियंत्रण संबंधी विशेष प्रावधान है। तो जो ये अनुसूचित वाला क्षेत्र है विभिन्न राज्यों में एरिया, उसके लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक, 5वीं और 6ठी अनुसूची जरूर याद रखिएगा, 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में, अब अनुसूची देखिए, भारत में जो अनुसूची है 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। लेकिन ध्यान से याद रखिएगा, अभी अगर फोर्स देकर ये पूछता है कि अभी फिलहाल कितना है, तो कहीं कहीं आप देखिएगा 465 लिखा रहता है अनुच्छेद, 65-66 ऐसे ही कर और 25 भाग लिखा रहता है और 12 अनुसूची लिखा रहता है। तो अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन कैसा दे रहा है। ठीक, यहाँ पर दे रहा है कि भारतीय संविधान जो अल्पसंख्यक है अल्पसंख्यकों का अधिकार देता है, हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट में 29 और 30 में दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि जो अल्पसंख्यक हमारे आधार जो बनता है इस किस बात पर, तो अभी ये जाति के नाम पर ही अल्पसंख्यक बन, धर्म के नाम पर, माफ कीजिएगा, धर्म के नाम पर। ठीक, अभी धार्मिक अल्पसंख्यक ही, और धार्मिक है और भाषाई अल्पसंख्यक भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए भाषा नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक अभी निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन ऐलान किया जा सकता है। देखिए ये राज्य में पूछ रहा है, जो राष्ट्रपति लगाते हैं शासन वो तीन प्रकार के लगाते हैं। आर्टिकल 352 के तहत जो लगाया जाता है उसे राष्ट्रीय आपात बोला जाता है, अभी तक 3 बार लग चुका है ये राष्ट्रीय आपात। ठीक, ये किसी भी पूरे भारत में या कहीं एक क्षेत्र में लग सकता है, राष्ट्रपति लगाएंगे। ठीक, आर्टिकल 356 को ही आपको राष्ट्रपति शासन या राज्य में जो राष्ट्र शासन लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा उसे कहा जाता है, ये तो अलग अलग बहुत से बार लग चुका है। आर्टिकल 360 में एक वित्तीय आपात वाला शासन होता है जो कभी नहीं लगा हुआ है, ये भी राष्ट्रपति लगाते हैं। और आर्टिकल 370 जो है ये विशेष राज्य का दर्जा देता है, किसको, तो आपको जम्मू कश्मीर को। ठीक, क्वेश्चन 45 है कि निम्न में से कौन नियुक्ति करता है भारत द्वारा नहीं की जाती। देखिए राष्ट्रपति, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती, तो आप लोग जानते हैं 2 का नियुक्ति नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए लोकसभा के स्पीकर, ये तो साफ यही होगा आंसर, नहीं किया जाता। भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आर्मी के मुखिया, ठीक, एयरफोर्स के मुखिया, या तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इन्हें बोला जाता है, भारत के प्रथम जनता मतलब नागरिक भी बोला जाता है। अब ये मृत्युदंड भी माफ कर सकते हैं, लेकिन जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के ही लोग चुनते हैं। ठीक, और जो राज्यसभा के सभापति जिसे हम लोग बोलते हैं उपराष्ट्रपति, उनका जो चुनाव किया जाता है वो किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर। ठीक, और इनका भी नियुक्ति नहीं करते हैं राष्ट्रपति, दोनों मिलकर चुनते हैं, तो इनका भी नियुक्ति नहीं करते, ये भी याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है तो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को छोड़ना होता है तो राष्ट्रपति को लिखकर बता सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो इसका 45 का हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 46 है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 40 देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो जो राज्यसभा हमारा है इसे उच्च सदन बोला जाता है और इसमें मैक्सिमम 250 संख्या हो सकता है, लेकिन अभी 245 है
जिसमें से 12 जो विशेष क्षेत्र से चुने जाते हैं, कला हुआ, अलग अलग क्षेत्र से, ठीक। और लोकसभा में अधिकतम कितना, 552 हो सकता है, लेकिन अभी 545 है, दो एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। और इसमें से राज्यसभा मिले 12, क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखिए 46 का आप क्या लगाइएगा, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा कि अब अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाता है, क्योंकि हमारे जो विधानसभा है प्रत्येक राज्य में, वहाँ से चुनकर भेजा जाता है प्रतिनिधि। कम से कम अपने विधानसभा की संख्या और राज्यसभा संख्या, लोकसभा संख्या, ये जरूर याद रखिएगा अपने राज्य का। संसद के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, संसद हो या विधानमंडल के, विधानसभा विधान परिषद जो भी हो उसके बीच 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए दो बैठकों के बीच, ठीक। याद रखिएगा दो सत्रों या बैठकों के बीच, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है, जो जम्मू कश्मीर है उसके राज्यपाल या किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष चाहिए, लोकसभा के बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष चाहिए, अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष चाहिए, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, और विधान परिषद के बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, ये भी याद रखिएगा, और मुखिया ये सब बनने के लिए 21 वर्ष चाहिए। आपको चुनाव में वोट डालने के लिए 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है, तो 18 वर्ष चाहिए। अभी 17वां लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कौन सा लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो इसे एकदम VBI लगा कर लिखिएगा, ये पक्का आ जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा कि जो रामनाथ कोविंद जी है हमारे राष्ट्रपति, वो कौन सा राष्ट्रपति है, कौन सा हुआ राष्ट्रपति है। ये क्वेश्चन आएगा कि वो जो उपराष्ट्रपति है, कौन रैंक का राष्ट्रपति है ये, और ये प्रधानमंत्री जो हैं, जो बनने वाले हैं, वो कौन सा रैंक का बनेंगे प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और देखिएगा मैं जब पेपर सॉल्व कराऊंगा तो, ठीक। किस चुनाव के बाद प्रथम बार कांग्रेस ने राज्य में एकाधिकार शासन खो दिया, तो पहली बार जो कांग्रेस है ये एकाधिकार जो अलग अलग राज्यों में था वो खो दिया, पहले से ही लेफ्ट के शासन जो केरल में था ही, वहाँ पर तो खो ही पहले से ही था, लेकिन बाद में और भी राज्यों में ये खोते चला गया, ठीक, ये भी याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद ये 1967 में खोते चला गया, तो 1967 का काल जरूर याद रखिएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1967। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हुआ था, संवैधानिक दर्जा देने के लिए, और 74वां हुआ था नगर पालिका नगर निगम के लिए, जो कि आपको शहरी वाला होता है, ठीक। 42वां संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही छेड़ बदल किए थे, जैसे कि आप बता, इसमें हो सकता है कि अब प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडित, ऐसे कुछ वर्ड जोड़े गए थे ये सब, ठीक, ये सब जोड़ गए थे। 42वां संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 44वां संविधान, जो 42वां संविधान में 1975, ये जो 42वां था वो 1976 में किया गया था, 1975 से 76 में आपात लागू था, और जब 77 में मोरारजी देसाई की सरकार आई तो फिर से उस जो गलत प्रावधान था उसे हटाने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही संपत्ति के अधिकार, जो 7वां अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसे हटाकर आर्टिकल 300A में लीगल राइट बता दिया गया। 86वां जो किया गया था 87th Amendment 2002 द्वारा, इसमें गार्जियन के लिए कर्तव्य बनाया था कि अपने बच्चों को भेजे स्कूल में, और ये 11वां कर्तव्य बनाया गया था। मौलिक कर्तव्य USSR के संविधान से लिया गया है, ये भी 1942 में जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा, उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1942 में, अभी 11 है। क्वेश्चन 51 है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को बना ही था कि पहला संविधान 1951 में संशोधन भी हो गया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में दल बदल प्रतिबंध लगाया गया था, जो दल बदल है, ठीक, इसका प्रतिबंधित किया गया है, यह 10वीं अनुसूची में है, ठीक, ये प्रतिबंधित किया गया है, और राजीव गांधी के समय काल में 1885 में यह किया गया था, और आप आसानी से लगा सकते हैं कि ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। देखिए इंसरेशन है और रीजन वाला क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में आपको कर दिखा दे रहा हूँ, ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय लग जा रहा है वीडियो को सॉल्व करने में। क्वेश्चन 53 देखिए आप, तो क्वेश्चन 53 का आंसर क्या हो जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ। तो देखिए दे रहा है कि अनुच्छेद 368 में संविधानिक संशोधन के रियत संविधान के मूल ढांचों के संशोधन की शक्ति में शामिल नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि संविधान के मूल ढांचा जो है 1773 के केस में, ना 1973 के केशवानंद के केस में आया था, माफ कीजिएगा, 1773 वाला जो एक्ट है ना, 1773 में जो एक्ट आया था, ठीक, उसके बारे में याद पड़ रहा है, ठीक, ये भी याद, इसकी रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पर देखिए जो 1973 में केशवानंद भारती केस था, उसी में मौलिक ढांचा का एक दिया गया था कि आप कहीं भी चेंज कर ले दिए संसद, लेकिन जो मूल संविधान का ढांचा है उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बोल रहा है शक्ति संविधान के मूल ढांचे में संशोधन की शक्ति नहीं शामिल है, तो संविधान की शक्ति मूल ढांचे में ये दे रहा है कि मूल ढांचा का कर सकता है इसके तहत, जी नहीं, इसके तहत नहीं कर सकता है। समानता का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग है, ये दे रहा है कि समानता का जो अधिकार है संविधान के मूल ढांचे का भाग है,
तो इसको क्वेश्चन को लगाना है। देखिए क्या कह रहा है कि ए सही है लेकिन यहाँ पर आर गलत है, ये हो जाए आंसर। क्यों क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ना, इसके तहत देखिए तब संविधान के शक्ति मूल ढांचे में संशोधन नहीं शामिल है। ये सही है ना भाई? अब मूल ढांचे में संशोधन 368 के तहत भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये बात सही है। और ये वाला जो है समानता का अधिकार मूल ढांचे का भाग है, ये इसमें कुछ गलत दिखाई दे रहा है। तो इसका देखिए आप, या तो ये इसका आंसर दूसरा होगा या तीसरा होगा, ठीक? क्योंकि देखिए समानता का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग है। जो समानता का अधिकार है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें कुछ प्रावधान भी दिए गए हैं, कुछ छूट भी दिए गए हैं और उसमें कुछ चेंज भी किया जा सकता है, ठीक? तो थ्री हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है कि देखिए यहाँ पर कि भारत का भूभाग सभी राज्यों के संयुक्त भूभाग से ज़्यादा है। भारत का भूभाग जो संयुक्त है सभी राज्यों से भूभाग से ज़्यादा है, भारत राज्यों का संघ है, ये दे रहा है, ठीक? तो 54 का क्या आंसर आप लगाइएगा कि बात दोनों सही है, भारत राज्यों का संघ होगा इंडिया। ये जो आर्टिकल पहले में दिया हुआ है, भारतीय संविधान के आर्टिकल पहले में दिया हुआ है, भारत राज्यों का संघ है जिसका नाम इंडिया और भारत है, ठीक है? अब देखिए ऊपर वाला क्या कह रहा है कि भारत का भूभाग सभी राज्यों के, देखिए भारत का भूभाग मीन्स कि जो भूभाग अर्जित भी करेगा, छीन लेगा या कहीं पर जाकर कोई टेरिटरी ले लिया, कोई दे दिया, वो तो ज़्यादा होगा ही ना, संयुक्त भूभाग से ज़्यादा है, ठीक? अभी जो हमारा भूभाग 29 राज्य 7 केंद्र शासित राज्य, अगर हमको और जो मिल जा रहा है वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना। अब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। अब क्या समझते हैं, भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है? संसद का भाग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनाते हैं, ठीक? ये तो सफा ही गलत हो गया। संसद के सदनों द्वारा पारित बिल राष्ट्रपति के बिना स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, सही बात है। संसद लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति साइन चाहिए तभी बिल बन पाता है। तो आर सही है, मीन्स कि आप क्या लगाएंगे, इसका 4 लगाइएगा कि ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, तो ये तो गलत हो गया। संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनाए रखना है, ये बात सही है, दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता बनाए रखे, क्योंकि न्यायपालिकों को कार्यपालिका से अलग रखना है, ठीक? स्वतंत्र जैसे कि शक्ति का डिवीजन होना चाहिए, नहीं तो दोनों आपस में ही या इसका वो शक्ति हड़प लेगा, उसका वो शक्ति हड़प लेगा, ठीक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी 4 हो जाएगा, ठीक? याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत एक गणतांत्रिक लोकतंत्र है। भारत एक गणतांत्रिक लोकतंत्र, बात सही है भाई। राज्य के मुखिया जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, तो राज्य के मुखिया किसे बोला जाता है? राष्ट्रपति को बोला जाता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, नहीं ऊपर ही क्वेश्चन बताया कि राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाता है, और ये क्वेश्चन आ भी गया। तो ये तो सही है लेकिन, ये क्या है, ये तो सही है लेकिन आर गलत है। अब कहिएगा कि राज्य का मुखिया, यहाँ सरकार का अगर मुखिया दिया रहता तो बात सही रहता, वो भी प्रतिनिधि चुनते हैं डायरेक्ट नहीं, जैसे कि हम लोग लोकसभा के सदस्य चुनते हैं और वो जाकर चुनते हैं। सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्य का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो इसका 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 58 है कि सूखी बैटरी पुनः नहीं की जा, देखिए सूखी जो बैटरी होती है वो पुनः रिचार्ज नहीं की जा सकती है, बात सही है। रिचार्ज पुनः मतलब चार्ज, रिचार्ज जिसे बोले आप, नहीं की जा सकती है। रासायनिक क्रिया प्रतिलोमीय है, रासायनिक क्रिया जो है वो प्रतिलोमीय है। अगर आपको नहीं समझ में आता हिंदी तो आप जाकर इंग्लिश समझिए, ये सही है लेकिन आर गलत है। क्या ये सही है कि नहीं की जा सकती? बात सही है लेकिन आर गलत है, ठीक? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए, छत के पास वेंटिलेटर रखे जाते हैं, छत के समीप कंडेंसेशन अच्छी तरह से होता है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन कौन है? ये क्वेश्चन 59 है। तो क्या छत के पास वेंटिलेटर रखे जाते हैं? बात सही है, रखे जाते हैं भाई, ये हम तो देखे हैं कि वेंटिलेटर यहाँ पर छत के पास रखे जाते हैं, ये तो सही है लेकिन ये कंडेंसेशन अच्छी तरह से होगा, ये बात गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 है कि गर्मी दिनों में कार का इंजन ठंडे दिनों की तुलना में स्टार्ट करना आसान होता है, ठीक? तो गर्मी के दिनों में आसान होता है, मींस कि गर्मी के दिनों में कार का इंजन अच्छे से आप स्टार्ट कर सकते हैं ठंडे दिनों की अपेक्षा, ये दे रहा है। और अगला इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि कार बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध रेजिस्टेंस जिसे हम लोग बोलते हैं तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है। जी नहीं, ये गलत है, ऊपर वाला मात्र सही है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 61 देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन 61 क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन बढ़ रही है, नहीं वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं बढ़ रही है, CO2 बढ़ रहा है। और CO2 का क्या काम होता है कि सूरज से जो भी प्रकाश आता है उसे अवशोषित कर लेता है और बाहर नहीं जाने देता है, गर्मी बनाए रहता है। और जो शुक्र ग्रह है वहाँ पर जीवन इसी कारण से नहीं है क्योंकि वहाँ पर 95% CO2 है, 95% है, इसीलिए शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर धूपा जब आता है तो उसे पूरा अवशोषित कर लेता है CO2, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान चला जाता है, ठीक? और चमकीला ग्रह भी इसीलिए बोला जाता है, ठीक? याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% ये बढ़ नहीं रहे, ऑक्सीजन है 20-22% लगभग 20% है,
लेकिन CO2 बढ़ रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। पौधे बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जी बात सही है, पौधे को बढ़ने के लिए तो नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए, तो इसका आंसर क्या है 4 हो जाएगा। देखिए अब देखिए हम लोग देखते हैं 62 क्वेश्चन नंबर कि क्या है, कितना दिया हुआ है। लंबी दूरी को रेडियो ब्रॉडकास्ट शॉर्ट के बैंड बैंक के उपयोग करते हैं। देखिए लंबी दूरी को रेडियो ब्रॉडकास्ट शॉर्ट वेव बैंड द्वारा उपयोग करते हैं, जो लंबी दूरी होती है ठीक है उसको शॉर्ट वेव द्वारा किया जाता है, ये दे रहा है ठीक। आगे देखिए, आगे दे रहा है कि इन बैंड्स में आयनोस्फेयर वेवज से प्रतिबंधित करता है, जो वेवज है प्रतिबिंबित करता है, मैंने रिफ्लेक्ट कर देता है, कहाँ से आयनोस्फेयर से, तो मैंने तो पहले ही बताया, तो आयनोस्फेयर जो है वहाँ से रेडियो तरंग से जो भी तरंग है रिफ्लेक्ट कर रेडियो वाला जो भी है वो लाया जाता है, जैसे टीवी चले रेडियो चले ये सब ठीक। तो ये बात तो सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आराम से लगा लीजिएगा कि ये दोनों है, क्योंकि यहाँ से ये होता है और ये ब्रॉडबैंड शॉर्टवेव का उपयोग करता है ठीक, तो दोनों सही है। और जो हमारा ओजोन है वो समताप मंडल में पाया जाता है, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, सड़े हुए मक्खी की तरह इसका गंध होता है याद रखिएगा। और जो ओजोन का सबसे ज़्यादा जानते हैं किस कारण से क्षय होता है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, चेक का अनादर अपराध है, जो चेक होता है उसका जो अनादर करता है तो वो अपराध करता है, प्रक्रम लिखित अधिनियम 1881 द्वारा ये अधिनियम बनाया गया था ठीक। भारतीय दंड संहिता एक बनाया गया है, भारतीय जो दंड संहिता है ये कब बनाया था, तो 1860 में बनाया था और ये 62 से लागू हो चुका था, ये भी याद रखिएगा। ये आता है क्वेश्चन यहाँ पर, और दंड प्रक्रिया संहिता भी आता है, ये भी याद रखिएगा, डेट पूछ देता है ठीक। और भारतीय सेवा सेवंदा अधिनियम भी पूछ देता है, तो ये सब याद रखिएगा ऑप्शन में जो जो दिया है। जब न्यायालय किसी को न्यायिक अभिरीक्षा में, देखिए जो न्यायालय है ना बोल देता है कि न्यायिक परीक्षा या तो पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी, तो कस्टडी दो प्रकार के होते हैं। पुलिस कस्टडी कहने का मतलब कि खूब लाठी पीटा आपके फोड़ेगा, आपको उगलवाएगा, पुलिस कस्टडी में भेजेगा तो। अब जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा तो जेल भेज देगा, जेल में भेजेगा तो आपको तो सजा होगा, टाइम टाइम से ही खटी कुटाई होगा, धुनाई होगा, तो जेल में भेज दिया जाता है किसका, तो जब न्यायालय किसी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है तो ठीक। जैसा कि भारत के संविधान में दिया गया है कि भारत किन न्यायालयों को रिट जारी, देखिए जो भी रिट जारी किया जाता है वो 5 प्रकार के रिट है। रिट जारी करने का सबसे ज़्यादा शक्ति उच्च न्यायालय को है, आप ही सुनकर दंग हो जाएंगे, लेकिन उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा है। लेकिन उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत, और जो सर्वोच्च न्यायालय है आर्टिकल 32 के तहत, जो आर्टिकल 32 है इसे अम्बेडकर साहब ने संविधान का आत्मा भी बोला है, रिट जारी कर सकते हैं, तो ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्न में से कौन पॉलीमेरिक मटेरियल का उपयोग बुलेट, देखिए बुलेट प्रूफ बनाने के लिए किसका किया जाता है, तो केवलर का उपयोग किया जाता है, किसका, केवलर का, आसान से लगा लीजिए क्वेश्चन 66 तक केवलर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि सालार जंग अजायब घर कहाँ है, अजायब घर कहाँ है, जो म्यूजियम को अजायब घर बोला जाता है, तो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम तो वहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है ठीक। तो ये पूछ रहा है कि जो ये है कौन सा सालार जंग अजायब घर कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या लगाइएगा आप आसानी से, ये लगा लीजिएगा हैदराबाद में, चार मीनार भी है हैदराबाद में, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहर है, दोनों के बीच हुसैन सागर झील पाया जाता है जिसमें बुद्ध जी का एक मूर्ति भी है, क्योंकि हम देखे हैं वहाँ पर गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 देखिए, निम्न में से कितने कार्ल मार्क्स के साथ, देखिए कितने नहीं किसने दिया है, किसने कार्ल मार्क्स के साथ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी, तो ये फ्रेडरिक एंजेल्स थे, कौन थे, फ्रेडरिक एंजेल्स थे, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, इंग्लिश चैनल तरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो जो प्रथम भारतीय महिला थी वो आरती साहा थी ठीक, आरती साहा याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। संतोष जो यादव है ये 2 बार जो अरेस्ट है उस पर चढ़ाई की है, बछेंद्री पाल पहला मतलब महिला थी जो कि अरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 70 है कि एक बैरल, ये तो बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन है, बीए चुका कहीं से नहीं मिलता है तो इसे डाल ही देता है, ये 159 लीटर होता है एक बैरल में ठीक, ये भी याद रखिएगा। ऑयल जो राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और दूसरे सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो राज्य लोक सेवा आयोग है लाइक मान लीजिए कि UPPCS है, BPSC है, ये सबके जो भी है चेयरमैन होते हैं इनका जो नियुक्त किया जाता है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगर UPSC दे दे या चुनाव दे दे, चुनाव आयोग वाला ठीक ये दे दे या से कुछ भी और देता है उसमें क्या करता है, जो केंद्र वाला होता है उसमें क्या करता है, राष्ट्रपति करता है ठीक, याद रखिएगा। लेकिन इसमें क्या करता है, ये राज्य वाला में राज्यपाल। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 72 है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के पिता कहलाते हैं, तो ग्रोटोस जो है ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के पिता कहलाते हैं, याद रखिएगा। सामाजिक अभियंत्रिक का सिद्धांत किसने दिया था, जो सामाजिक अभियंत्रिक का सिद्धांत दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो पाउंड द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्न से कौन सा मात प्रथा का आवश्यक तत्व नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा प्रथा का, मान्य प्रथा दे रहा है, मात नहीं, मान प्रथा का आवश्यक तत्व इसमें से कौन सा नहीं है, तो अभिव्यक्तियुक्ता रीजनेबलनेस ये है, इसका नहीं है, तो 74 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 75 है कि स्वतंत्र का विलोम शब्द होता है, स्वतंत्र का क्या होता है, दासत्व होता है, दास गुलाम बनाकर रखना, स्लेवरी, ठीक। क्या लिबर्टी का क्या होता है, स्लेवरी होता है, लिबर्टी चाहिए ही चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर है कि टॉट, टॉट होते हैं, टॉट कितने प्रकार के होते हैं, टॉट होते हैं, टॉट का मतलब क्या होता है या कौन से भाषा से लिया गया है, तो लोग मानते हैं कि टॉट जो है ये रोमन उद्माय से माना जाता है, ठीक, टॉट। लेकिन फिर भी इसके बारे में आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी देखा ना हूँ इसके बारे में, या तो लैटिन हो सकता है या रोमन हो सकता है, लेकिन रोमन ज़्यादा लगता है, आप देख लीजिएगा इसे जरूर, ठीक, टॉट के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 है कि निम्न में से कौन सा अपमान लेख नहीं है, इसमें से कौन सा एक है जो अपमान लेख नहीं है, यहाँ पर देखिए लेख नहीं है, छपा हुआ या लिखा हुआ ये तो हो ही जाएगा, सिनेप्टोग्राफी फिल्म बनाई ये भी हो जाएगा, संकेत या फोटो ये भी हो जाएगा, संकेत या फोटो, ध्वनियाँ या हाव भाव, हाव भाव ये मतलब कि आप ऐसे हाथ हिलाकर जा रहे हैं वैसे, ये सब थोड़े ना होगा लेख के लिए, ठीक है, इसका 4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए मतलब 78 के अपराध के लिए आवश्यक तत्व कौन है, तो अपराध के लिए सबसे क्या चाहिए, अपराध के लिए सबसे अपराध करने के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए किसी भी आदमी के लिए, किसी भी एनीबडी, वो क्या होना चाहिए, देखिए ये होना चाहिए आपको, ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोषपूर्णकार आपराधिक मनोस्थिति, ये जो होगा ये सबसे पहले होना ही होना चाहिए, ठीक, किसी भी अपराध करने के लिए, ठीक, ये मूल तत्व है अपराध के लिए। और यहाँ पर देखिए नहीं 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 ये देखिए हेतु मीन्स की मोटिव चाहिए, देखिए इंग्लिश में आइए, इंग्लिश में आएगा, मीन्स चाहिए मीन्स की आपराधिक, ठीक, और मीन्स इरा एंड एक्टस रेयस, मीन्स की मनोस्थिति भी चाहिए और दोषपूर्ण कार्य भी चाहिए, हेतु भी चाहिए किस लिए कर रहे हैं, आपराधिक मनोस्थिति भी चाहिए और दोषपूर्ण कार्य चाहिए, तो इसका 78 का ए पहला हो जाएगा, माफ कीजिएगा मैं ऊपर वाला नहीं ध्यान से देखा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, उकसाना शब्द अर्थ है, जो उकसाना है आप उकसाते हैं किसी को तो उसका क्या अर्थ होता है, तो 79 का क्या हो जाएगा, उकसाना का अर्थ क्या होता है, भड़काना, टू प्रभोक होता है, टू प्रभोक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है कि चोरी का अपराध किससे संबंधित है, जो चोरी का अपराध है सिर्फ चल संपत्ति दिया है, सिर्फ अचल संपत्ति दिया है, तो जो चोरी किया जाता है ये चल संपत्ति का किया जाता है, जिसे आप यहाँ से वहाँ से उठाकर ले जा सकते हैं, मूवेबल, ठीक, इमूवेबल नहीं। क्या खेत का चोरी आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, खेत का चोरी, पोखरा का चोरी, नहर का चोरी, ये सब चोरी नहीं होता है, ठीक, आप मूवेबल माने फ्रिज का चोरी, पंखा का चोरी, पेन चोरी कर लीजिएगा, ये सब होता है, 80 का पाला हो जाएगा। क्वेश्चन 81 देखिए, निम्न में से भारी मशीनों का उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, इसमें से जो स्नेहक का उपयोग किया जाता है भारी मशीनों के लिए, ये ग्रेफाइट का किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन 82 देखिए कि हैलोजन लैंप के तंतु निम्न में से किस मृत धातु का बना होता है, जो हैलोजन लैंप है वो तंतु जो बने होते हैं ये दे रहा है किस मिश्र धातु के बने होते हैं, तो ये इसका बना होता है, याद रखिएगा, टंगस्टम और सोडियम, टंगस्टम का बना होता है ना बॉल में जो लगता है, फिलामेंट टंगस्टम का बना होता है, नाइक्रोम जो लगता है वो हीटर में लगता है। क्वेश्चन 43 है कि यूरोनॉन स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन मात्रा की सीमा निश्चित होती है, वह गैस है जो यूरोनॉन्स प्लेस है, अभी यूरोनॉन्स 6 चालू होगा ये भारत में, तो यूरोनॉम्स जो है इसमें जो स्वचालित वाहनों के गैस उत्सर्जन की मात्रा निश्चित होती है वह गैस कौन सी है जो निश्चित होती है, ठीक, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये जो ये है नॉर्म से स्वचालित 4 था और सीधे जंप कर अब 6 भारत में आ रहा है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि अति मुलायम खनिज टैल्क अस्टोप स्टोन मुख्यतः है, तो इसमें से क्या है अति मुलायम, तो ये जो है ये है मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अब 85 देख लीजिए, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, बैगनिया पिनाला, इंद्रधनुष का जो सही रंग है क्रम है नीला हरा पीला है, याद रखिएगा। शरीर में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, जो हमारे शरीर में संक्रमण का रक्षा करता है वो व्हाइट ब्लड सेल होता है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, मतलब WBC, ये भी हो जाएगा आंसर। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है, और जो RBC होता है उसका जीवन काल क्या होता है, एक मतलब कि 120 दिन तक होता है, और RBC में क्या पाया जाता है, जो ब्लड सेल है उसमें आपको आयरन भी पाया जाता है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 87 है कि काला सागर में गिरने वाली नदी कौन है, जो काला सागर है उसमें गिरने वाली नदी का नाम पूछ रहा है, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, निप, यहाँ पर देखिए गिरने वाली नदी द्वीप भी है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ रिवर ड्रेनिंग इनटू ब्लैक सी इज, कौन कौन है, निपर और निस्टर है, दोनों है, ठीक, ये पेयर बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 88 है, क्वांटो मैदान किस देश में है, जो क्वांटो का मैदान है वो किस देश में है, तो ये है जापान में, याद रखिएगा जापान में है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है, क्वेश्चन नंबर क्या 89 है कि कंधार स्थित है, कंधार हाईजैक भी अभी न्यूज़ में था ये क्वेश्चन आ सकता है, तो जो ये कंधार स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित है। आप जानते हैं कि तालिबान ने वो कंधार हाईजैक कर लिया था, अभी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है हाफिज सईद को, ठीक,
तो वो भी उसमें ही शामिल था और हाईजैक कर कर तो उसे ही छुड़ाया गया था उस समय। ठीक, आज ही एक दिन पहले मतलब कि कल रात को ही ये ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है यूएन में। ठीक, चाइना भी मान लिया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। जूली एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? जूली जो जाति है इसका संबंध निम्न में से कौन है? तो जूलिया याद कर सकते हैं, किस किस है? दक्षिण अफ्रीका के जूलिया, जूली जाति। और जो ये है क्या बोलते हैं, रेड इंडियन, वो यूएसए का एक है, वहाँ के मूल जाति। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ये थे हमारे, कौन थे स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग किया और हिंदी को राष्ट्रपति माना? ये स्वामी दयानंद थे, सरस्वती जी। और जो स्वामी विवेकानंद थे वो 1893 में शिकागो सम्मेलन में, धर्म सम्मेलन में भाषण भी दिया था, शुरुआत किया था मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा गूंज गया था। ठीक, और ये राजा राम मोहन राय थे, ये सती प्रथा के उन्मूलन में इनका सबसे बड़ा योगदान था। राजा को उपाधि अकबर द्वितीय ने इन्हें दिया था। और हम सबसे फेवरेट है बाल गंगाधर तिलक, जो कि चौथ, और ये जो भी जो गणेश पूजा होता है ये सबका शुरुआत किए थे ये कौन? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 92 है कि हरित क्रांति से अभिप्राय है, जो हरित क्रांति होता है उसमें क्या होता है? लगभग 1967 में इंडिया में शुरुआत किया गया था हरित क्रांति, जिसमें उच्च उत्पाद बेरोराइट प्रोग्राम, मतलब बीज उज अच्छा चाहिए और उससे उत्पादन किया जाने लगा। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कि लौह जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, लोहा जिसे प्राप्त किया जाता है वो दे रहा है, इसमें से कौन होगा? ठीक, तो ये हो जाएगा, कौन होगा? ये देखिए हेमेटाइट हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। यस यस, किसका? निम्न से कौन सा एक फल है, इसमें से पूछ रहा है कौन फल है, तो भिंडी एक फल हो जाएगा, याद रखिएगा। भिंडी फल होगा कि शकरकंद होगा? देखिए ये होगा कि ये होगा, अब देख लीजिएगा क्वेश्चन को, मैं गलत क्यों बताने जाऊँ, अब क्वेश्चन को प्लीज़ ये देख लीजिएगा। ठीक, कि कौन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 कि चालक के विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, जो विद्युत प्रतिरोधकता है इसकी इकाई क्या होता है? तो चालक की जो विद्युत प्रतिरोधकता है इसकी इकाई क्या होता है? ठीक, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कर लीजिएगा आप। ठीक, विद्युत प्रतिरोध, देखिए विद्युत प्रतिरोध जो है ना, जिसे हम लोग ओम में कहते हैं, ये इसका इकाई होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध का इकाई ओम होता है, याद रखिएगा। ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 96 है कि घर्षण और स्नेहक का अध्ययन है, जो घर्षण है और स्नेहक का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घर्षण और स्नेहक का अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। क्या है? सेलेनोलॉजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है कि स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे है, जो स्वेज नहर है जो जोड़ा जाता है वो कौन कौन सा है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर, ये स्वेज नहर द्वारा, स्वेज कैनाल है वहाँ से जोड़ा जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन जो कि 98 है कि दिन रात किस कारण से होते हैं, जो दिन रात कारण से होते हैं ये जो होते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो इसे घूमते रहता है ना, उसके कारण होते हैं, ये परिक्रमण के कारण होते हैं। ठीक, परिभ्रमण नहीं, ये सूरज का चक्कर लगाने वाला हो जाएगा। क्वेश्चन 99 देखिए कि बीबी का मकबरा निर्माता था, जो बीबी का मकबरा बनाया था वो कौन बनाया था? तो औरंगजेब ने बनाया था, जिसे जिंदा पीर भी बुलाया जाता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 100 कि चिल्का झील जहाँ स्थित है वो है, जो चिल्का झील है भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील है, वो कर्नाटक में स्थित है और उसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 101 है कि खसरा की बीमारी होती है, जो खसरा की बीमारी होती है वायरस द्वारा होती है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? ये जो समुद्री घोड़ा है वो वास्तविक रूप से मछली है, ये भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 103 है कि त्रिवर्गामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जोड़ने वाली देश कौन है? जो भूमिगत त्रिवर्गामी रेलों द्वारा है ये फ्रांस और इंग्लैंड आपस में जोड़े थे। ठीक, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितना है? जो बच्चे होते हैं उनमें 300 होता है, ठीक, हड्डी, लेकिन जवान होने पर वो आपस में जुटने लगता है, तो 206 पाया जाता है हड्डी, याद रखिएगा। वायुमंडल में कई प्रकार के गैसों का मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, जो पृथ्वी के नज़दीक मुख्यतः पाई जाती है कौन कौन? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है, याद रखिएगा। 105 का आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, 106 है कि लाइट ईयर, लाइट ईयर जो है या पार्सक सबसे बड़ा है दूरी का इकाई, पार्सेक लाइट ईयर से भी जाता है, 3.26 आई थिंक होता है, ऐसे कर जो लाइट ईयर है इसके बराबर हो जाता है, तो पार्सेक इक्वल टू हो जाता है 3.26 आई थिंक लाइट ईयर के बराबर हो जाता है एक पार्सेक, तो सबसे बड़ा पार्सेक होगा, लेकिन यह प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का, पार्सेक भी दूरी का इकाई है, ये भी याद रखिएगा। बत्ती वाले स्टोव में, जो बत्ती वाले स्टोव जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि अपने आप ही ऊपर चला जाता है तेल, तो ये किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, और जो बारिश का बूंद भी गिरता है वो गोल होकर गिनता है, पृष्ठीय तनाव के कारण ही गिनता है, याद रखिएगा, गिरता है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हॉस्टिंग्स थे, लॉर्ड हॉस्टिंग्स थे। 108 का आप आसानी से लगा लीजिएगा, ये थे। एपिकल्चर, एपिकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें किसका किया जाता है? तो एपिकल्चर में जिसका अध्ययन किया जाता है उसमें शहद, मधुमक्खियों, ये सब का किया जाता है उत्पादन, शहद का उत्पादन किया जाता है, एपिकल्चर में मधुमक्खी पाला जाता है। भारत में वर्तमान असमान मौसमी अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है, जो असमान इस समय मौसमी अवस्था है उसके लिए क्या उत्तरदायी है? तो अलनीनो है, अलनीनो और लालनीनो दो याद रखिएगा, इससे अलनीनो से मौसम क्या होता है इधर उधर बिगड़ जाता है। उपनिषद, हमारे जो उपनिषद है यहाँ पर देखिए, उपनिषद जो वेदांत के नाम से भी जाने जाते हैं, संख्या कितना है? तो 108 है।
उपनिषद की संख्या 108 है और जो वेद है वो चार वेद है जिसमें ऋग्वेद सबसे ज्यादा पुराना है और उसमें ही गायत्री मंत्र दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 112 की सूक्ति, लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है? जो ये महात्मा बुद्ध थे, बुद्ध जी को ये बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। और बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। और सबसे ज्यादा सबसे पहला प्रवचन जिसे महाधर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है वो सारनाथ में दिया गया था, वो भी आपको बनारस के नजदीक है। बुद्ध अनुयायी के अनुसार गौतम बुद्ध अगले अवतार होंगे। जो बुद्ध अनुयायी मानते हैं कि गौतम बुद्ध का भी अगला अवतार होगा, ये कल्कि का अवतार माने जाते हैं। प्राचीन काल में निम्न में से कौन से कलिंग का महान शासक थे? तो जो खारवल थे वो प्राचीन काल में महान शासक थे, ठीक। ये कौन का? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो वो अशोक थे कलिंग युद्ध में महान, और उनके बाद मनोस्थिति बदल गया था और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे। अशोक ने किस सदी में शासन किया था? तो ये जो किया थे तृतीय सदी के पूर्व में शासन किया था, लगभग 261 ईस्वी में। ये कलिंग का युद्ध ईस्वी पूर्व में आई थिंक हुआ था 61 से 62 में। 115 का आंसर क्या हो जाएगा? 115 का हो जाएगा तृतीय सदी ईस्वी पूर्व। शक काल की स्थापना किसने की थी? जो शक काल है उसकी स्थापना किसे माना जाता है? ये माना जाता है कनिष्क द्वारा। डेसिमल दशमलव प्रणाली किसने समुष्टि की थी? जो दशमलव प्रणाली है ये किसके द्वारा दिया गया था? डेसिमल दे रहा है, ये नहीं कि जीरो किसने दिया था। जीरो तो आर्यभट्ट ने दिया था। डेसिमल किसके द्वारा दिया? डेसिमल पॉइंट वाला बात आप समझते हैं ना, तो वो दिया गया था यहाँ पर किसके द्वारा? तो भास्कर द्वारा दिया गया था। कौटिल्य को ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ये अर्थशास्त्र नामक बुक भी लिखे हैं जो प्रशासन पर संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। कौटिल्य को चाणक्य भी बोला जाता है, चाणक्य नीति। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन उत्तर भारत में राजकवि के प्रमुख स्रोत था? जो राजकवि नहीं, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था कौन मध्यकालीन भारत का? इसमें से जो हो जाएगा, खैराज भी नहीं होगा, जकात भी नहीं होगा, खाम भी नहीं होगा, जजिया हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा। तो जैसे मुगल राजवंश बहादुर शाह जफर के लिए, वैसे ही लोधी राजवंश, जैसे मुगल का लास्ट जिक्र, मुगल वंश का स्थापना कौन किया था? तो 1526 में इब्राहिम लोधी को हरा कर किसने किया था? तो बाबर ने किया था, ठीक। तो इब्राहिम लोधी लास्ट हुए किसका? तो ये लोधी वंश के संस्थापक या अफगान का। वैसे ही जो मुगल वंश खत्म हो चुका था 1857 की क्रांति के बाद, इसे बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, वो जफर इसलिए बोला जाता है कि छुप छुप कर कविता लिखते थे, उन्हें फिर गिरफ्तार कर रेगून म्यांमार में भेज दिया, वहीं पर उनका मृत्यु हो गया था। तो ये भी अपने लास्ट थे, मुगल का सबसे लास्ट माने जाते कौन? तो बहादुर शाह जफर। वैसे ही ये किसे माने जाते हैं? तो इब्राहिम लोधी माने जाते हैं लास्ट लोधी वंश के। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था, ये भी याद रखिएगा। कबीर शिष्य थे, कबीर किसके थे? तो रामानंद के शिष्य थे, याद रखिएगा। कबीर के बाड़ी भी याद रखिएगा, रामानंद। तो 120 का 3 हो जाएगा। देखिए ये समय है, अब आते हैं हम लोग हिंदी कर लेते हैं झट से, बहुत काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, ठीक। आपको अगर देखना होगा इसे तो इसे आप फास्ट करके भी देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। व्याकरण के नियमों में अनुशासित भाषा क्या कहलाती है? जो व्याकरण के नियमों में जो अनुशासित भाषा का बोध, इसकी भाषा क्या कहते हैं? तो उसे मानक भाषा कहते हैं। मैथिली भाषा है बिहार की, याद रखिएगा, संबंधित है। हिंदी दिवस कब तारीख को मनाया जाता है? सितंबर में, 24 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस को रूप में, याद रखिएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 154 का, 153 का आंसर मैंने लगा दिया है, देख लीजिएगा। देवनागरी लिपि में मराठी भी देवनागरी है, हिंदी भी देवनागरी है, ये सब है। ये संविधान में दिया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो इसे याद रखिएगा। ये कौन सा है? तो आर्टिकल 343 में दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 155 है कि शुद्ध शब्द चुनिए, शुद्ध शब्द चयनित कीजिए। तो शुद्ध चयनित करना है आपको, इसमें से कौन सा होगा? तो मिष्ठान हो जाएगा, मिष्ठान, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, परिभाषित शब्द चयन कीजिए। जो परिभाषित है इसमें से चयन करना है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? परिभाषित प्रयुक्ति जो होगा ये परिभाषित शब्द है, याद रखिएगा, ठीक। ये देखिए 158 कि तुलसी ने हनुमान चालीसा लिखा, वाक्य में चालीसा का व्याकरण कोटि क्या है? जो चालीसा का व्याकरण कोटि है ये क्या है? विशेषण है, ठीक। 159 देखिए, किन्हें मथुरा जाना है, किन्हें मथुरा जाना है वाक्य में किन्हें व्याकरण कोटि है, किन्हें क्या है? तो किन्हें क्या है, किन्हें क्या बता रहा है? तो किन्हें जो बता रहा है वो स्वरनाम है, किन्हें जाना है, ठीक। 60 गोपाल पद में कौन सा समास है? जो गोपाल है इसमें से कौन सा समास है? तो जो गोपाल होगा उसमें से हो जाएगा बहुव्रीही समास, याद रखिएगा। क्वेश्चन 161 है कि आजीविका निश्चित होने के हेतु एक सार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। जो आजीविका निश्चित होने हेतु एक सार्थक शब्द हो जाएगा ये कौन सा होगा? तो कास्वृति, निश्चित हेतु शब्द चयनित, कास्वृति हो जाएगा यहाँ पर। तो 161 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बेरोजगार दिहाड़ी मजदूर आवृतिक आकाशावृति आकाशवृति, देख लीजिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सस्पेंस है। 162 है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें जो अलंकार प्रयुक्त किया गया है ये विभावना अलंकार है। अनुभूत का सही विलोम क्या होगा? जो अनुभूत है इसका सही विलोम क्या होगा?
163, तो इसका सही हो जाएगा अन्निभूत, अनन्निभूत, स्वानुभूत, अनुभूत का सही विलोम, परानुभूत नहीं होगा, स्वानुभूत नहीं होगा, अनन्नभूत होगा, ये याद रखिएगा। चुटियों चुटिया हाथ में होना मुहावरा क्या है, चुटिया, जो चुटिया है ना लड़की का चुटिया, तो वो जो हाथ में होना होता है वश में करना, मीन्स के वश में होना। तमस किस रचनाकार के नाट्य कृति है, जो रचनाकार है इनके जो लिखे हैं वो तमस किसका है, तो यह भीष्म साहनी का था, तमस किसका है, भीष्म साहनी, भी हो जाएगा इसका आंसर। 166 है कि ब्रह्म राक्षस किस रचनाकार की एक प्रतीक पात्र है, ब्रह्म राक्षस किसका है एक प्रतीक पात्र है, तो ये जो प्रतीक पात्र है ये है गजनान माधव मुक्तिबोध का, ठीक, 166 का 4 हो जाएगा। चित्रलेखा किसके द्वारा रचित उपन्यास है, जो चित्रलेखा बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो भक्ति भगवती चरण, नहीं भगवती चरण वर्मा द्वारा। चना जोर गरम सुने होंगे, गाना भी है, किस कवि का काव्य संग्रह है, चना जोर गरम किसका है, तो नागार्जुन का है, ठीक। प्रयोगवाद में परम होने का वर्ष कौन सा है, जो प्रयोगवाद है इसका परम होने का जो वर्ष है वो कौन सा है, 43-1900। चंपा नामक नायक किस कहानी के पात्र है, जो चंपा है वो किसका है, तो आकाशदीप का है, ठीक, जो चंपा नामक नायिका है ये किसका है, तो इसका है। ये 170 क्वेश्चन है, आपका समाप्त हो गया है, जो जो क्वेश्चन बताया कि डाउट है उसका मैं आंसर नहीं बताया, उसका आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, मुझे उस क्वेश्चन में डाउट हो जाता है, ठीक, तो मैं नहीं बताता हूँ, गलत के बताने से फ़ायदा, वो क्वेश्चन आ जाएगा तब गलत कर आ जाएंगे आंसर। तो क्वेश्चन कैसे लगा जरूर बताइएगा, और अच्छे डिस्कशन चलते रहे तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।